वन प्लस ने जो है अपना नया फोन जो कि ग्लोबली कल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड, जिसकी इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाइप मची हुई थी, बहुत ही ज्यादा हड़कंप मची हुई थी कि फोन ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, इस प्राइस में होने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, जो कि कल फाइनली लॉन्च कर लिया और मैं वो फोन जो है लेने वाला हूँ। सो मैं वो फोन क्यों लेने वाला हूँ पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा, मैं वीडियो को पूरा देखना। और सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय लाइफ। सो वन प्लस नॉट जो कि कल इंडिया में क्या पूरा ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, सो मैं वो जो फोन लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बोल ही चुका हूँ कि मैं जो है नया फोन लेने वाला हूँ और उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया था मैंने वन प्लस नॉट के ऊपर, जो है कल ऑफिशियली जो है लॉन्च हो चुका है, उसकी प्राइसिंग वगैरह स्पेक्स वगैरह सब कुछ बाहर आ चुका है और मैं जो है वो फोन लेने वाला हूँ। क्योंकि देखो भाई, अपन को जो है लो प्राइस में जो है फ्लैगशिप लेवल का जो मजा मिल रहा है तो अपन को क्यों नहीं लेना चाहिए, और वो भी वन प्लस जैसा ब्रांड अपन को इस रेंज में ऐसा फोन दे रहा है। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि भाई वन प्लस ऐसा फोन लॉन्च करेगा। सो स्पेक्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो इसकी स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन जो है वो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है 90 हर्ट्ज के साथ, जो कि अपन को फ्लैगशिप जो फोन आते हैं उनके अंदर ही मिलती है, कम रेंज के फोन के अंदर नहीं मिलती। और कैमरास की बात करूँ तो कैमरा जो है रियर कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, चार कैमराज है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ, सो 4 कैमराज है उसके अंदर। एंड फ्रंट कैमराज की बात करूँ तो 32 प्लस 8 मेगापिक्सल है जो कि अल्ट्रा वाइड है, जो कि ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा फोन है। एंड रही बात प्रोसेसर की तो इसके अंदर 765G का प्रोसेसर है, जो कि 5G रेडी फोन है, जब भी कभी इंडिया में 5G आएगा तो उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अपना फ़ोन जो है सिक्योर रहेगा। एंड रैम की अगर बात करूँ तो ये जो है 3 वेरिएंट में मिलता है, 6GB 64GB, जिसकी प्राइस है 24,999 रुपये। एंड इसके ऊपर का जो वेरिएंट है वो है 8GB 128GB, जिसकी प्राइस है 27,999 रुपये। एंड जो हाई वेरिएंट है, जो कि मेरे को लेना हाई वेरिएंट वाला, वो है 12GB 256GB, जो कि है 29,999, मतलब 30,000 का फोन। सो यार 30,000 में अपन को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है, वन प्लस का सोनी का कैमरा मिल रहा है, फ्रंट जो है 32+8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसा कि फोन मेरे को चाहिए था वैसा ही फोन है, 5G फोन है, फ्यूचर रेडी फोन है। एंड ऑफकोर्स वन प्लस का जो ब्रांड है, सो अपन को 30,000 में ब्रांड मिल रहा है, इतना अच्छा फोन मिल रहा है, तो यार क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं तो आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी फोन लेने का सोच रहा है या अपग्रेड करने का सोच रहा है तो आप ये फोन बिल्कुल ले सकते हो, मैं तो लेने वाला हूँ। 4 तारीख को जो इसकी सेल है इंडिया के अंदर, तो 4 तारीख को ट्राई करूंगा ऑर्डर करने की, फिर ऑर्डर हो गया मेरे पास आ गया तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो भी दूंगा आपको। और कलर्स जो है इसके 2 कलर्स है इसके अंदर, मेरे को यार ब्लैक कलर चाहिए था, बट ब्लैक कलर इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया, इन्होंने जो है ग्रीन कलर एंड ग्रे कलर में लॉन्च किया है, बट मेरे को ग्रे लेना पड़ेगा, क्या करूँ ब्लैक है नहीं। सो कोई नहीं, फोन अच्छा मिल रहा है अच्छी प्राइस में तो क्यों नहीं लेना चाहिए। आपको भी बोलता हूँ कि फोन खरीदो, अच्छा फोन है और वन प्लस तो ब्रांड ही है, नाम ही काफी है यार, एप्पल के बाद इसी का नंबर आता है। सो वीडियो में इतना ही था, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मेरे को जो मेरा जो ओपिनियन है वो आपको बताना था, इतना ही था वीडियो में, ज्यादा कुछ था नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।